कोई कह सकता है कि क्या पत्ता गोभी को इस तरीके से भी कभी बनाया जा सकता है? पत्ता गोभी आप सभी खाते हैं, लेकिन इस खास तरीके से आज हम बना के दिखा रहे हैं, जिसमें आपको पत्ता गोभी का एक नया स्वाद मिलने वाला है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब लोग इसे खाएंगे तो कहेंगे ये सचमुच में पत्ता गोभी ही है क्या? दोस्तों ऐसा क्या होने वाला है, चलिए आइए आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है सुरेश जी को झारखंड से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने पत्ता गोभी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। अब एक धागे की मदद से इस पत्ता गोभी को हम बांध लेते हैं। ये आसानी से बंध जाती है और बांधने से एक फ़ायदा होता है कि ये फैलती नहीं है, क्योंकि आज की टिप में हमें फैली हुई पत्ता गोभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमने इसको अच्छे से बांध लिया है। तो चलिए बांध क्यों रहे हैं, हम इसके कैसे कैसे आगे प्रक्रिया करने वाले हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले इन चारों टुकड़ों को हमें एक एक करके बांध लेना है, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में सारी बांध के दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो पत्ता गोभी है ये बंध रही है। अब बनते बनते आप क्या कीजिए, साथ ही में एक कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। हम आपको दिखाते हैं, हमने तो रख दिया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ ये पत्ता गोभी ज़रा बंध जाए। तो ये बंध गई है और दूसरी तरफ हमारा जो पानी है वो भी गर्म हो रहा है। यहाँ देखिए हमारी जो चारों की चारों पत्ता गोभी है वो बंध चुकी है अच्छे से। बंधने के बाद वो जो पानी गर्म होने रखा है उसमें हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, ताकि हल्का सा पीलापन आ जाए एक पत्ता गोभी में, एक नया शाइन आ जाता है ऐसे करने से। बस आप अब इस पत्ता गोभी को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए कि हल्की नरम पड़ जाए। अच्छे से पक जाएगी, धुल जाएगी, सारा काम हो जाएगा, ज़्यादा कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पकाने और धोने के लिए इस तरीके से और हल्का इसको पीलापन देने के लिए आपको इसको ढक भी सकते हैं। तो मैं ढक देता हूं ताकि ये जल्दी आंच पकड़ ले और थोड़ी गर्म हो जाए। चलिए देख सकते हैं हमारे हो गए हैं 2 मिनट और ये पत्ता गोभी जो है अच्छी नरम पड़ चुकी है। तो अब गैस को 1-1.5 मिनट में बंद करके मैं इस पत्ता गोभी को बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पत्ता गोभी जो है अच्छे से पक जाए, तो मैं इसे 1 ही मिनट के लिए और पकाऊँगा, उसके लिए आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं। चलिए हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब मैं इस पत्ता गोभी को बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल के इस पत्ता गोभी को आप देखेंगे कितना अच्छा इसमें येलोइश एक शेड आ चुकी है, एक ग्रीन शेड भी हल्की सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है अभी पत्ता गोभी। अब ले लेते हैं साथ में एक कढ़ाई जिसमें हमने उबाली थी, और उसको हटा लेते हैं पानी, और उसमें डाल देते हैं इस वक्त थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए बहुत ही खास और आज आसान तरीके से एक नई रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं आप ही के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब आपको क्या करना होगा, इस पत्ता गोभी को आपको डाल लेना होगा इसमें, जो हल्की सी सुखा लेनी है आपको पकाने के बाद, और 2-2 टुकड़े करके आप इसको अच्छे से इसी के अंदर पका लीजिए। बहुत अच्छे से पक जाती है, ये घुमा लीजिए और ये शानदार पकेगी। और इसका जो आज रेसिपी का मज़ा आने वाला है, एक नयापन आने वाला है, आप कहेंगे भाई वाह ये तो एक यूनिक सी ही चीज़ बन के तैयार हो गई, और स्वादिष्ट भी इतनी, और देख के लोगों को पता भी ना चले कि बनी कैसे होगी। चलिए अब हमने क्या करना होगा, इसको बाहर निकाल लेना है, जलाना नहीं है, हल्का सा ऊपरी परत भुन जाए इतना ही करना है। तो ये हम 2 टुकड़े इसके बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी 2 और पका लेंगे, लेकिन हम आपको 2 ही दिखा देते हैं, काफ़ी होंगे। और आगे की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, थोड़े से जो आलू हैं वो और हमें फ्राई कर लेने हैं। चलिए हमने एक बड़ा आलू भी फ्राई कर लिया, 2 भी डाल सकते हैं आप आलू छोटे हो तो, और उसके बाद इनको आप भून लेना है, ब्राउन कलर का कर लेना है। ये आलू भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और ये आलू हमारे लगभग ब्राउन कलर के हो ही चुके हैं, तो क्यों ना इनको अब निकाल लिया जाए। ये ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और ये बहुत क्रिस्पी भी हो जाते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो समय आ गया है इनको निकालने का। ये भी टिश्यू पेपर के ऊपर हमने एक ट्रे प्लेट रखी है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ना आए, इसे भी निकाल लेते हैं। अब इस रेसिपी का बहुत ही यूनिक स्वाद डालने के लिए एक नया चटकारा मैं यूँ कहूँगा मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं ले लूँगा अब एक मिक्सी का जार। चलिए मिक्सी के जार के साथ मैं लेने वाला हूँ साथ ही में लहसुन, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और हल्का सा जीरा। ऑप्शनल है जीरा, आप चाहें तो ऐसे भी इसे बंद कर सकते हैं। चलिए साथ ही में कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें हल्का सा जीरा डाल लेते हैं, और ये जो सामग्री हमने प्याज टमाटर की पीस के रखी है वो इसके अंदर डाल लेते हैं। चलिए इसको भून लेंगे, अच्छे से भून लीजिए, बहुत ही यूनिक और अच्छा स्वाद आने वाला है।
और ये जो आज हमने पत्ता गोभी की रेसिपी बनाई है ना, ये जब भी बनाइएगा घर में आजमा लीजिएगा, मज़ा ज़रूर आएगा सभी को। अब इसमें डाल लेते हैं हम थोड़े से मटर, ये भी ऑप्शनल है लेकिन मटर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, इसीलिए चाहे तो थोड़े पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हैं छोटी छोटी करके। अब जो पत्ता गोभी हमने बॉयल करके हल्की फ्राई करके रखी है, आप उसके टुकड़े काट लीजिए क्यूब्स। भाई वाह, और ये क्यूब्स अब हमने छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर लिए हैं और इन क्यूबिकल शेप्स को अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मटर और ये बना के तैयार करा था। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी आप उसी की चीज़ को इसमें डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हल्का पानी भी डाल दीजिए और ये पका लीजिए। अब हमें इसको ढक्कन लगा के पका लेना होगा ताकि ये अच्छे से पक जाए, मटर भी पक जाए और इसमें भी एक क्रिस्पीनेस आ जाए। चलिए अब हटा लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि पत्ता गोभी जो हमारी कटी हुई रखी थी, और साथ ही में इसको अच्छे से घुमा लेते हैं और पकने देते हैं हल्का सा। इस पत्ता गोभी को डालने के बाद इसमें ये है पत्ता गोभी, क्रिस्पी पत्ता गोभी जो हमारी बनके तैयार हुई है। इस क्रिस्पी पत्ता गोभी में हम डालेंगे हमारे जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो, और ये क्रिस्पी पत्ता गोभी हमारी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, आप चाहें तो थोड़ी सी गाजर भी डाल सकते हैं इसमें फ्राई करके ही, और ये क्रिस्पी पत्ता गोभी बनके तैयार है। कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, धनिया डाल के गार्निश करके एंजॉय कीजिए।